हाय हेलो नमस्कार, पल्लवीज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। आज मैं लेकर आई हूँ साबूदाने की नई रेसिपी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के लिया है। इसमें मैं डालूँगी जीरा और राई। अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। इसको थोड़ा तड़कने दूँगी। तो हरी मिर्च को मैंने लंबाई में काट के लिया है। हरी मिर्च भी हम इसमें डाल के लेंगे। हरी मिर्च का यूज़ आप स्वादानुसार कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो इसको हमको अच्छी तरह रोस्ट करके लेना है। तो चलिए, मैंने इधर प्याज भी कट करके लिए थे, इसको भी डालेंगे हम और इसको अच्छी तरह इसमें रोस्ट करके लेंगे। तो चलिए, ये भी अच्छी तरह पक चुके हैं। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर। तो देखिए, ऐसे साबूदानी आपने कभी भी नहीं बनाई ना, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि ऐसी ही नई नई मज़ेदार रेसिपी आपको मिलती रहेगी। अब मैंने इधर डाल के लिया है मूंगफली का पाउडर। तो इधर मैंने मूंगफली का पाउडर 5 से 6 चम्मच डाल के लिया है। तो ये देखिए, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे और हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पका के लेंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसको अच्छी तरह पका के लिया है। अब भीगे हुए साबूदाना है, इसको हम इसके अंदर डाल के लेंगे। तो कितने खिले खिले बने हैं ना हमारे साबूदाने। तो चलिए, इसको डाल के लेंगे इसके अंदर और इसको इस तरह से मिक्स करके लेंगे। तो चलिए, फटाफट से हम सभी साबूदाना इनमें मिक्स करके लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी साबूदाने को इसे मिक्स करके लिया है। आप हल्दी पाउडर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से साबूदाना बना के लिया है। आप इसको ढककर 1 मिनट के लिए भी पका सकते हैं। तो चलिए, इसको मैंने इस तरह से मिक्स करके लिया है। अब चलिए, इसके ऊपर मैं डाल के लूँगी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे साबूदाना का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके लिया है। आप इसमें 1 चम्मच शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लूँगी। तो देखिए, कितनी अच्छी तरह खिले खिले साबूदाने बने हैं। तो आपने देखा भी होगा, मैंने इसमें तेल का प्रयोग भी बहुत ही कम किया है। तो चलिए, 1 चम्मच शक्कर अब मैं इसमें डाल के लेती हूँ। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। शक्कर डालने से साबूदाना का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार इस तरह से साबूदाने ज़रूर बनाइए और बच्चों को ज़रूर खिलाएं, उनको बहुत पसंद आएंगे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो मैंने इसको ऐसे प्लेट में सर्व करके लिया है। इसी तरह से आप इसको बनाइए, खाइए और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.